हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी क्लाइंट थी, इनको आईब्रो बनवाना था, तो आईब्रो ये बनवाने आई थी और ये सलोन से थी, सलोन मारा वैली से। तो ये इनसे मैंने इनका नाम पूछा तो ये डर गई कि पता नहीं क्यों नाम पास रही है, सारी वीडियो बना रही हैं, जबकि मैंने सिर्फ इनके आईब्रो की वीडियो बनाई है और ये बहुत ज़्यादा डर रही थी। और सीरियसली मैं एक चीज़ बताऊँ कि यार, ये इन्होंने अपना नाम तक बताया नहीं मुझे, तो फिर मैंने इनसे पूछा ही नहीं। मैंने सोचा चलो थ्रेडिंग कर देते हैं, जो करवाने आई हैं वो कर देते हैं। और मैं इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ और आप लोग तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मैं धागा निकाल रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से मैं निकाल रही हूँ क्योंकि क्लाइंट को पेन ना हो, और पेन होता है तो फिर अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये धागा जो है आपने बहुत ज़्यादा ढीले हाथों से चलाना है। और मैं बहुत से लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बनाते हैं आईब्रो तो फिर एक एक बाल निकालते हैं, बट मैं यहाँ पे एक एक बाल नहीं, मुझे जितना शेप देना रहता है मैं उतना शेप दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं उसको रिमूव करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, आप इस थ्रेडिंग में देखिएगा कि मुझे जितना निकालना है मैं उतना निकाल दे रही हूँ। देन हम नीचे के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं और इस शेप को अच्छे से दे लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। और नीचे की थ्रेडिंग मैं सबसे पहले बनाती हूँ, फिर ऊपर की थ्रेडिंग ऊपर से बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो सेम प्रोसेस वही है। और इनका जो है थ्रेडिंग कुछ इस तरीके से डर डर के थ्रेडिंग बनवा रही थी कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। यार गलत क्यों करेंगे, इनकी वीडियो हम पूरा क्यों डालेंगे फेस, जब क्लाइंट को नहीं सही लग रहा है अपना फेस दिखाने में तो मैं क्यों दिखाऊंगी। और थोड़ा बड़ा कहीं नहीं आज आ भी जाए तो फिर आप लोग जो है आप खुद बताइए कि ये मतलब मैं क्यों डालना चाहूँगी यार इनकी वीडियो। तो बस मुझे आईब्रो दिखाना रहता है तो आईब्रो के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बाकी और किसी पर्पज़ से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो इनको ऐसे क्लाइंट जब आते हैं तो इनको कैसे समझाएं, हमें हमारे तो समझ में नहीं आता है। बस क्लाइंट हैं तो थोड़ा सा नम्रता से बात भी करनी पड़ती है, बाकी और कोई बात नहीं हुई थी। तो आप देख सकते हो मैं आपके लिए कितनी प्रॉब्लम फेस कर देख सकते हो कितने अच्छे से रिमूव हो गया है। और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी तो मैं फॉरवर्ड भी कर दे रही हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, मैं अभी अपने पार्लर पर बस 20 रुपये ही थ्रेडिंग के का रेट रखा है और उसी में फॉरवर्ड भी करती हूँ। और आप लोग बताएं आप लोग के यहाँ क्या क्या रेट है थ्रेडिंग और फॉरवर्ड का, थ्रेडिंग फॉरवर्ड का मिला के क्या क्या रेट है, कितना रेट है। और मैं यहाँ पर बस 20 रुपये में सब कुछ करती हूँ, थ्रेडिंग फॉरवर्ड दोनों। तो आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस टाइम पता नहीं क्यों मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कौन सी गलती मुझसे हो गई है, आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता है। तो कुछ एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि मेल की थ्रेडिंग बनाओ, तो मैं मेल की थ्रेडिंग कहाँ से बनाऊँ, ये लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है तो मैं मेल्स की कहाँ बनाऊँ। तो उनके लिए सॉरी, मिलते हैं ना।